मौत से मुकाबले का आज 11वां दिन है। गैंगरेप की शिकार लड़की सिंगापुर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स की टीम उसकी हालत पर दिन रात लगातार 24 घंटे नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी भी अस्पताल से अच्छी खबर का इंतजार ही है। उधर लड़की के साथ गई 5 डॉक्टर्स की टीम आज वापस देश यानी कि दिल्ली लौट रही है। सिंगापुर के इस माउंट एलिजाबेथ अस्पताल पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। गैंगरेप की शिकार लड़की को यहां लाए 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। डॉक्टर्स उसकी हालत बेहतर करने में जुटे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यह अस्पताल पूरी दुनिया में मशहूर है। देश को भी उम्मीद है कि यहां कुछ चमत्कार होगा और दिल्ली की बेटी एकदम ठीक होकर घर लौटेगी। ये एशिया का एक बेहतरीन अस्पताल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज दुनिया भर से आए हैं और अपना इलाज उन्होंने कराया है। कई हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज भी यहाँ आकर अपना इलाज करा के जा चुके हैं। लड़की की हालत पर पल पल नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स की कोशिश है कि सबसे पहले उसकी हालत को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, जिसके बाद ही किसी सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। सिंगापुर से जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक लड़की की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। गैंगरेप पीड़ित को फिलहाल सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। अस्पताल के प्रवक्ता के मुताबिक लड़की की सेहत की पूरी जांच की जा रही है और सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर लड़की को खतरे से बाहर निकालने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पताल ने यह भी गुजारिश की कि मरीज और परिवार की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए। उधर सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग भी लड़की को लेकर बेहद संजीदा है और उनकी ओर से भी बयान आया है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पीड़ित लड़की को पूरी मेडिकल सुविधा मिले और मरीज के परिवार को भी किसी तरह की तकलीफ न हो। भारतीय उच्चायोग सभी जरूरी मदद के लिए तत्पर है। गैंगरेप की शिकार इस लड़की के आंत का काफी हिस्सा खराब हो चुका है। सफदरजंग अस्पताल में 2 हुए ऑपरेशन में आंत का बड़ा हिस्सा निकाला जा चुका है। 2 पहले उसे दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके बाद ही उसे सिंगापुर भेजने का फैसला किया गया। जो लोग इस अस्पताल के बारे में जानते हैं उनका कहना है कि यहाँ बेहतरीन इलाज होता है। जाने माने नेता अमर सिंह का भी यहाँ इलाज हो चुका है। उन्होंने आज तक के साथ अपने अनुभव शेयर किए। बच्चे आईसीयू में है, अस्पताल के प्रबंधक से मेरे घर में निजी संबंध है कि उसकी हालत में कोई सुधार विशेष सुधार नहीं है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधा है। गैंगरेप पीड़ित लड़की को अगर आंत के ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो यहाँ बेहतरीन इलाज हो सकता है। जिस वजह से इस अस्पताल का चयन किया गया, ये जानते हुए कि पीड़ित लड़की को स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो शायद इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी और शायद इसीलिए सरकार ने इस अस्पताल को उसके आगे के इलाज के लिए चुना है। सिंगापुर के इस अस्पताल में लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये उसका जज्बा ही है कि 11 हो गए और वो मौत के साथ पंजा लड़ा रही। सबको उम्मीद है कि जीत उसी की होगी, क्योंकि देश भर की दुआएं उसके साथ हैं। सिंगापुर से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 12 हो गए आज दिल्ली में गैंगरेप पीड़ित लड़की की हालत कैसी है उसे सिंगापुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो चुका है और हमारी संवाददाता पूनम शर्मा इसी माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, कल की रात किस तरह की गुजरी है, इस वक्त कैसी है लड़की की तबीयत, क्या कुछ जानकारी दे पाए हैं डॉक्टर्स? पूनम, सही देखिए, जो पीड़ित है उनकी हालत अभी भी बेहद ही नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स यही मेंटेन कर रहे हैं कि वो काफी क्रिटिकल हैं लेकिन स्टेबल हैं। जब कल उनको यहाँ पर लाया गया तो डॉक्टर्स की माउंट एलिजाबेथ डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम जो है वो बनाई गई, जो उनको कंटिन्यूसली 24/7 राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रही है। दिल्ली से जो उनके साथ डॉक्टर्स आए हैं वो भी मौजूद हैं। और जब हमने डॉक्टर्स से आज सुबह बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो फिलहाल हमें कोई अपडेट नहीं दे सकते हैं, स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल जैसी उनकी हालत थी वैसी ही उनकी हालत अभी है, यानी कि वो अभी भी क्रिटिकल है बट शी स्टेबल, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। पूरम, माउंट एलिजाबेथ जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं ये दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार किया जाता है, खासतौर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर। क्या स्टेबिलिटी, लड़की की हालत में सुधार और स्टेबल करना यहां पर डॉक्टर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है? और पूनम, कितनी तेजी से उस दिशा में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? हाँ,
देखिए सईद, अस्पताल पूरी तरह से सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बेहतरीन अस्पताल है। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही फेमस है और मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुए हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। लेकिन जब हम बात इस पीड़ित लड़की की कर रहे हैं तो सईद, हम जानते हैं कि किस तरह से पिछले 12-13 दिन में लगातार तबीयत जो है वो बिगड़ती रही है और इतना लंबा सफर तय करके वो कल यहाँ पर आई हैं। तो डॉक्टर्स, अभी आगे क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो शुरू की जा सकती है या उसके बारे में सोचा भी जा सकता है, इस बारे में फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं है। डॉक्टर सिर्फ ये कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि जो जो इंजरीज हैं उन बहुत ज्यादा हैं और लगातार वो खराब होती रही हैं उनकी तबीयत। तो अभी सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनको स्टेबल रखने पर है। सही पूनम, माउंट एलिजाबेथ में शिफ्ट करना, एक्सपर्ट्स डॉक्टर की एक टीम इस लड़की का इलाज कर रही है, कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर होगी, तबीयत ठीक होगी जल्द इस लड़की की? पूनम, देखिए सईद, बिल्कुल जो ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो उस पर फिलहाल डॉक्टर्स किसी भी तरह से कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो एक स्पेशल टीम बनाई गई है उसका पूरा फोकस इस वक्त है कि लड़की के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल रहें, ताकि एक स्टेबिलिटी अगर आती है उनकी तबीयत में तो आगे का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, इसीलिए जिस हालत में वो होंगी वो ही तय करेगा कि वो अगला कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का जो स्टेप है वो लिया जा सकता या नहीं। 3 सर्जरीज उनकी पहले ही हो चुकी है, जैसा मैंने कहा एक लंबा कल उन्होंने यहाँ पर तय किया है। कल पहली रात थी उनकी सिंगापुर में, 5 घंटे की फ्लाइट के बाद जब वो यहाँ आई फ्लाइट में उनकी तबियत बिगड़ी, ऐसी भी खबर हमने सुनी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सईद, अभी माउंट एलिजाबेथ के डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लड़की की हालत स्टेबल बनी रहे, लेकिन इससे ज्यादा डॉक्टर्स अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।